दिन कोई ना कोई हलचल मची रहती है। बॉलीवुड के गलियारों से कई दिलचस्प खबरें सुनने को मिलती है। हॉलीवुड बॉर्बी ने 5 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में जहां ओपनहाइमर की हालत खराब कर दी, तो वहीं अब टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 भी ग्रेटा गार्विन की फिल्म से पिछड़ गई है। इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म फैन में नजर आई शिखा मल्होत्रा ने कोरोना टाइम में नर्स बनकर लोगों की खूब मदद की, लेकिन कुछ वक्त बाद खुद ही ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस का शिकार हो गई। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने ठीक होने के बाद अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें शेयर की। तो आइए डालते हैं एक नजर मनोरंजन जगत की 5 बड़ी खबरों पर। तो स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड टॉप 5 में। फटाफट नजर डालते हैं आज की मनोरंजन जगत की 5 बड़ी खबरों पर। बारबी ने निकाला मिशन इम्पॉसिबल 7 कदम, मंगलवार के कलेक्शन ने उड़ाए सभी के होश। ग्रेटा गार्विन के निर्देशन में बनी फिल्म बारबी के रंग में पूरी तरह से रम चुका है। ये फिल्म दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। ओपनहाइमर को वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में बारबी पहले ही मात दे चुकी है और अब इस फिल्म ने टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 को भी पछाड़ दिया है। एक्ट्रेस और निर्देशन ग्रेटा गार्विन हॉलीवुड की पहली ऐसी महिला निर्देशक है जिनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कम समय में सबसे ज्यादा कमाई की है। इंडिया में सिर्फ इंग्लिश भाषा में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने 5 दिनों में महज 23 करोड़ 25 लाख का बिजनेस किया। हालांकि इंडिया में बारबी से ज्यादा ओपनहाइमर का बोलबाला है। अक्षय कुमार ने कारगिल युद्ध के वीरों को किया याद। अक्षय कुमार बोले कि हम आपकी वजह से जीते हैं। 26 जुलाई यानी भारतीय सैनिकों के लिए गौरव का दिन, ये पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने को याद करने का दिन है। इस मौके पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा पोस्ट शेयर कर जवानों की शहादत को याद किया। अक्षय कुमार ने कारगिल विजय दिवस पर जवानों की एक तस्वीर के साथ मैसेज शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि दिल में कृतज्ञता और होठों पर प्रार्थना के साथ कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने वाले हमारे बहादुरों को याद करते हुए नमन, हम आपकी वजह से ही जीते हैं। शाहरुख खान की हीरोइन ने नर्स बनकर की कोरोना में लोगों की मदद, हुई पैरालिसिस का शिकार। अब नई फोटोज ने किया सभी को हैरान। कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बाहर निकले। ऐसे वक्त में एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा लाखों लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आई। उन्होंने कई लोगों की कोविड के दौरान मदद की। कुछ वक्त बाद खुद ही ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस का वो शिकार हो गई। अब शिखा ने दमदार कमबैक किया है। वजन बढ़ने की वजह से शिखा अपनी ग्लैमरस अवतार खो चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने हार नहीं मानी। 2 साल यानी साल 2021 और 2020 का समय उनकी रिकवरी में बीता। शिखा का ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। माही विज की बेटी को यूजर्स ने किया ट्रोल तो फूटा एक्ट्रेस का गुस्सा। भड़की एक्ट्रेस ने कहा कि छोटी सोच वाले लोग। बारिका मधु जैसे शोज के घर घर में मशहूर हुई एक्ट्रेस माही विज अक्सर बेटी तारा की क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, लेकिन हाल ही में उन्हें नमाज अदा करने वाली एक वीडियो के लिए ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। दरअसल बीते दिन माही ने तारा का एक नमाज अदा करते हुए वीडियो शेयर किया था, जहाँ कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वही सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोलर ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने नन्ही तारा को ट्रोल कर दिया, जिसके बाद अब एक्ट्रेस माही विज भी ट्रोलर्स को जवाब देने से बिल्कुल पीछे नहीं रही। माही विज ने बेटी को इंस्टाग्राम पर ट्रोल किए जाने के बाद एक और वीडियो तारा के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। माही विज ने कैप्शन में लिखा कि ये उन बकवास लोगों के लिए जिन्होंने धर्म को मजाक बना दिया है, आप तारा को अनफॉलो कर सकते हैं, उसे हेटर्स की जरूरत नहीं है। एक माँ के रूप में मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखा रही हूँ। इतनी नफरत देखकर बहुत दुखी हूँ। प्लीज अपनी जिंदगी पर फोकस करें, मेरी बेटी की चिंता मत करें, अपने बच्चों को सिखाएं। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग फरवरी से होगी शुरू। दिवाली पर पर्दे पर उतरने को तैयार है ये फिल्म।
अभिनेता कार्तिक आर्यन की पिछले साल रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तब अच्छी कमाई की थी जब कोई और फिल्म पैसा नहीं कमा पा रही थी। ऐसे में इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म पर फिल्म के निर्माता भूषण कुमार से लेकर निर्देशक अनीस बज्मी तक हर कोई बारीकी से काम कर रहा है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार अगले साल फरवरी से भूल भुलैया 3 की शूटिंग शुरू होगी। 4 महीने में ही फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली जाएगी। फिलहाल फिल्म के प्लॉट पर काम चल रहा था, अब उसे फाइनल कर लिया गया है, जिसके बाद विस्तार से उस आइडिया पर काम होगा। तो ये थी मनोरंजन जगत की आज की 5 बड़ी खबरें। ऐसे ही मनोरंजन से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। और हाँ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अन्य खबरों के लिए बने रहे BCN न्यूज के साथ।